हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रोज कोकोनट बर्फी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और सिर्फ 20 से 25 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। हमारी ये बर्फी जो मिलती थी ना हमें बचपन में नारियल वाली, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो आज हम इसको घर पे बनाएंगे बहुत ही कम सामान से और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली हमारी ये वाली बर्फी। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और बहुत टेस्टी बनती है ये। देख रहे हैं कितनी सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली बर्फी है ये। नमस्ते दोस्तों, चटपटी रसोई विद कविता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है, ट्राई करने के बाद पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये मजेदार रेसिपी बनाना। रोज कोकोनट बर्फी बनाने के लिए हम एक पैन में एक चम्मच देसी घी डालेंगे और इसको अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे। जब हमारा देसी घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट। जी हाँ, ये मार्केट में बहुत ही आराम से मिल जाता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सूखा नारियल का पाउडर बना के भी इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, नहीं तो ये जल के हमारा जो बर्फी का टेस्ट है ख़राब हो जाएगा। तो बस इसको लो फ्लेम पे मैंने 4 से 5 मिनट तक इसको लगातार चला लिया है और जो घी है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम यहाँ पर लेंगे 1 कप दूध, तो ये मैंने उसी कप से लिया है और इसको मैंने आधा डाल लिया है और इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे। तो ये मैंने एक साथ नहीं डाला है, आधा पहले डाल लिया है और आधा हम इसको बाद में मिक्स कर लेंगे और इसको हम लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब बाकी का भी हम इसमें डाल लेंगे और बस इसको ही हम चला लेंगे। यहाँ पर गैस की जो फ्लेम है वो आपको लो टू मीडियम ही रखनी है। जब आपको लगे कि थोड़ा सा ये तेज हो गया है तो आप इसे दोबारा से कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो बर्फ़ी है बहुत ही कम आंच में बनती है। तो बस इसको अब हम लगातार चलाते रहेंगे और ये देखिए पैन में ये दूध दिखाई दे रहा है ना, तो बस इसको हमें तब तक चलाना है जब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। अब इसी कप से मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप चीनी। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कप नारियल में 1 कप चीनी डाली है और बस इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। जैसे जैसे जो चीनी है वो डिसॉल्व होगी यानी मेल्ट होगी, जो हमारा ये मिक्सचर है वो बहुत ही पतला होता हुआ चला जाएगा, यानी थोड़ा सा ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको हम लगातार चलाते जा रहे हैं और ये जो मिक्सचर है वो धीरे धीरे पतला हो रहा है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो बस इसको अब हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये थोड़ा सा टाइट ना हो जाए। तो बस इस यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर सकते हैं और बस इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। और ये देखिए हमारी जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, बस अभी ये लगातार चलाते चलाते टाइट हो जाएगी। तो ये देखिए ठीक 5 से 6 मिनट बाद ये बिल्कुल डोक बन चुका है। अब इसको हम नीचे उतार लेंगे। जब तक ये नॉर्मल हो रहा है तब तक हम यहाँ पे थाली, ट्रे, जिसमें भी आप इसे जमाना चाहते हैं ले सकते हैं। और इसमें मैंने एक बटर पेपर लगाया है, इसमें हल्का सा घी ग्रीस करेंगे हम और बस यहाँ पे हमने लगा लिया है। अब इसको साइड में करेंगे। अब ये जो हमारा मिक्सचर है इसको हम हाफ कर लेंगे और आधा ये हम ट्रे में रख देंगे और बस इसको हम अच्छे से इस तरह से प्रेस करते हुए सेट कर लेंगे। ये स्पैचुला से आप हल्के हल्के हाथों से इसको इस तरह से सेट कर लीजिए। ये हमारी एक लेयर तैयार हो चुकी है और बस ये जो सारी इसके साइड से इसको हम इवनली इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए तो ये अच्छे से सेट हो चुकी है। और अब जो हमारा बाकी का जो हाफ मिक्सचर था उसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ पिंक कलर का फूड कलर। तो ये बस मैंने 1 ड्रॉप डाला है और बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इससे हमारा जो मिठाई का कलर है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। अगर आपको कलर नहीं डालना है तो आप इसको बिना इसके भी इस तरह से बना सकते हैं। तो ये मैंने इसमें थोड़ा सा इस तरह से कलर लगाया है, इसलिए मैंने इसको नाम रखा है रोज़ कोकोनट बर्फी। और ये देखने में भी, खाने में भी, सर्व करने में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। ये मैंने इसमें ऊपर से रख दी है और बस इसको हम चारों तरफ से इस तरह से इवनली कर लेंगे और ये अच्छे से हमारी हो चुका है। अब इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए मैं इसमें लगा रही हूँ चांदी का वर्क। अगर आपके पास है तो आप इसको ज़रूर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छी लगती है ये। और बस अब इसको हम सेट होने के लिए फ्रिज में 1 से 1.5 घंटा रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो 1 से 1.5 घंटे हो जाने के बाद मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी बढ़िया सी कटिंग आने के लिए मैंने इसकी जो साइड्स हैं इसको हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से कटिंग करके रिमूव कर देंगे।
ताकि एक बढ़िया सी शेप आ जाए। और बस अब हम इसके पीसेस छोटे बड़े साइज़ में जो भी आप काटना चाहते हैं इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये लीजिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से ये सेट हो जाती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखिए बढ़िया सी हमारी रोज़ कोकोनट बर्फी बनके तैयार हो चुकी है। इसको आप खाइए, अपने फ्रेंड्स को खिलाइए, उनको बहुत पसंद आएगी। आप इसको इतनी जल्दी बना सकते हैं कि जैसे गेस्ट घर पे आ रहे हैं तो फटाफट से आप इसको आधे घंटे में तैयार कर सकते हैं बना के। और ये लीजिए हमारी बढ़िया सी टेस्टी सी कोकोनट की बर्फी बनके तैयार हो चुकी है। यहाँ पर बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही चलाना है। और अब आप चाहें तो इसको ड्राई फ्रूट से भी डेकोरेट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी ये बर्फी बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए अब बारी है, इसको हम तोड़ के देखते हैं कि ये कैसी बनी है। तो यहाँ पे मैंने एक पीस लिया है और ये देखिए इसको हम तोड़ के देखते हैं। तो वाओ, बिल्कुल मुंह में जाते ही खुल जाने वाली हमारी ये नारियल की बर्फी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो फ्रेंड्स मैं तो इसको इंजॉय कर रही हूँ और आप इसको बना के ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अपने ब्यूटीफुल हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।